और बरसात का मौसम शुरू होने के साथ ही मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने टीमें गठित कर वाटर लॉगिंग क्षेत्र की पहचान कर वहां पर दवाइयों का छिड़काव शुरू करवा दिया है और इसके साथ ही मच्छर उत्पन्न होने वाले स्थानों पर जैसे कि कूलर, टंकी और प्लास्टिक टायर, कबाड़, ऐसे तमाम स्थानों पर मच्छरों का लार्वा ना पनपे, इसके लिए विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यह जागरूकता अभियान अक्टूबर महीने तक चलाया जाएगा। सभी जो स्वास्थ्य सुपरवाइजर हैं, वो उनकी टीम जो 17 टीम में है, वो सारे सेक्टर 13 और 23 में वाटर लॉगिंग एरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और साथ में हमारी 16 ब्रीडिंग चेकर की टीमें हैं, वो सारी जगह पे जहाँ भी पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे टेमीफोस दवाई का छिड़काव कर रहे हैं और साथ में जहाँ पे ये संभावना है कि यहाँ पे काफी दिनों तक पानी खड़ा रहेगा वहां पर हम काला तेल भी डाल रहे हैं ताकि उस जगह पे मच्छर अंडा ना दे सके और हमारे आसपास में मच्छर जनित बीमारियां पनपने की संभावना खत्म हो सके। इसके साथ में हम सेक्टर 13 के और 23 के सभी घरों में घर घर जा करके जो खास करके बाहर पार्किंग का एरिया है या छोटे छोटे पार्क बना रखे हैं वहां पे भी गमले, ओदी, टंकियां, वाटर बॉटल्स, पोट्स आदि को भी चेक कर रहे हैं और साथ में घरों में कूलर और फ्रिज की जो पीछे वाली ट्रे है उसको भी चेक